हाय गाइस, वेलकम टू रैगमा कॉलेज। इस वीडियो में मैं बात करूंगी डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के उस ऑनलाइन कोर्स के बारे में, एमबीए कोर्स के बारे में, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गया है। सो बेसिकली डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन इट इज़ इन हैदराबाद। सो उन्होंने इस बार क्या किया कि उन लोगों का पहले ना एमबीए का प्रोग्राम शुरू कराया था, कि ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम उन्होंने अपना खुद का ओपन यूनिवर्सिटी का खुद का लॉन्चअप किया था। एंड द फेट ऑफ बेसिकली ओवर 100 स्टूडेंट्स एंड विच हु वर एनरोल्ड इन दैट ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम हैंग्स इन बैलेंस एज अ यूनिवर्सिटी discontinued the course after the completion of the first semester exam. So पहले semester के exam होने के बाद university ने वो course आगे continue ही नहीं किया। इससे approximately 100 students के उनका career बिल्कुल ही मतलब एक stake पे आके रुका हुआ है। एंड जो ये एडमिशन्स हुए थे बेसिकली 2015 में हुए थे, तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसमें दिसंबर 2014 के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन्स हुए थे। एंड स्केड्यूल के हिसाब से जो पूरा प्रोसीजर चला था, जनवरी 2017 में ये कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रोग्राम को बीच में ही रोक दिया गया। एंड स्टूडेंट्स वर लाइक देवर जस्ट टोल्ड कि उनका सेकेंड सेमेस्टर शुरू नहीं हो रहा था, इससे पहले उनको बता दिया गया कि अब ये प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो देर मेनी पीपल जिनको एक्सपेक्टेड था रिजल्ट के साथ साथ, रिजल्ट के आने के बाद कि वो क्लासेस शुरू करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होंगी, बट देवर इन शॉक वेन दे केम टू नो कि प्रोग्राम हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने 12,000 12,500 इसकी फीस थी जो फर्स्ट सेमेस्टर की थी, वो पे करने के बाद एंड नाउ दे हैव बीन लेफ्टेड आउट, के लिए ना तो उनको डिग्री मिली है प्रॉपर तरीके से, ना उनकी आधी अमाउंट, अब फीस की आधी अमाउंट भी देखो एक तरीके से जा चुकी है। सो दे आर इन अ डिलेमा कि उनका पैसे तो गए ही गए, ऊपर से उनका टाइम पूरा वेस्ट हुआ, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी को कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठना, फिर उसका एडमिशन, और फिर ऑलमोस्ट एंड पे जब एग्जाम मतलब जब यू नो कोर्स ख़त्म होने वाला है, तब उस टाइम पे दे वर टोल्ड कि कोर्स अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो दैट वॉज अ वेरी बिग शॉक टू द पीपल हु गॉट एनरोल्ड इन ऑनलाइन एम बी ए प्रोग्राम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी दाचना हैदराबाद। सो ऑन दिस एंटायर अकाउंट जो सारी पूरी सारी ग्लिच हुई है, सो इस पे रजिस्ट्रार ऑफ बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का कहना है कि कोर्स को जो डिसकंटिन्यू किया गया है वो UGC के मैंडेट की वजह से किया गया है। लाइक कोर्स के ना जब आप कोर्स लॉन्च अप करते हो, तो देयर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस जिनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो आपको मैंडेटली मतलब पूरे करने होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दोज दे वर नॉट एबल टू मीट दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द UGCs, सो दे हैड टू यू नो क्लोज अप दिस प्रोग्राम इन द मिडल ऑफ द बिफोर इवन कंप्लीटिंग अ सिंगल बैच। सो एवरी ईयर दे सीक अप्रूवल ऑफ दिस प्रोग्राम फ्रॉम द UGC, बट UGC केम अप विद अ मैंडेट दैट अब ये और प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफर नहीं होगा। सो फॉलोइंग ऑफ दैट द ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, ये कोर्स डेफिनेटली डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो टू रिजॉल्व दिस इशू, द यूनिवर्सिटी बेसिकली दो सोल्यूशंस के साथ आया है कि दे विल गिव एन ऑप्शन टू ईदर कन्वर्ट देमसेल्फ टू द ऑफलाइन मोड और दे कैन टेक अप द रिफंड। तो जो उन्होंने पैसे अब तक के लगाए हैं, या तो वो पैसे वापस ले लें, या फिर जो ऑनलाइन कोर्स है उसको वो ऑफलाइन मोड में यानी कि इन कैंपस आके पढ़ाई करना शुरू कर दें फॉर द स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर इटसेल्फ। सो दिस इज द दिस इज द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ बीआर अम्बेडकर in open university. So guys, whosoever is being enrolled over here can get the information from here, and as well as अगर आपके और कोई friends हैं तो who are planning to take admission in Dr. B.R. Ambedkar open university's online program, so just make them aware कि this program has been discontinued. There won't be launching up any other online program, online MBA program. So that was all for the video, and if you have any doubts, you can call us upon, and to know more about our updates, please do not forget to subscribe, as because so very soon we'll be bringing more videos on such topics. So till then, keep watching, keep subscribing, keep liking, and guys, keep sharing. Bye bye.